नमस्कार एंड वेलकम टू द इंडिया ग्लोबल स्टडी ज्योग्राफी ऑफ इंडिया भारत का भूगोल पार्ट नंबर टू कर रहे हैं। माउंटेन्स ऑफ इंडिया का पार्ट, इसका भी पार्ट नंबर टू है। ये 65 क्वेश्चन है, 10-10 क्वेश्चन हर वीडियो में होंगे, तो इसका पार्ट नंबर टू करने जा रहे हैं हम। तो बिना किसी देर के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, बद्रीनाथ कहाँ पर है? कुमाऊ हिमालय में। बद्रीनाथ कहाँ पर है? कुमाऊ हिमालय के अंदर है। क्वेश्चन नंबर टू, सूची एक को सूची दो से सम्मिलित कीजिए। जो पंजाब हिमालय है वो कहाँ पर है? सिंधु तथा सतलज के मध्य। कुमाऊ हिमालय कहाँ पर है? सतलज तथा काली के मध्य। नेपाल हिमालय कहाँ पर है? काली तथा तिस्ता के मध्य। और असम हिमालय कहाँ पर है? तिस्ता तथा दिहांग नदी के मध्य। तो ऑप्शन नंबर ए इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 13, हिमालय में हिमरेखा यानी स्नो लाइन निम्न के बीच होती है। तो 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में, ठीक है, राइट आंसर इसका ये है। हिमरेखा, हिमरेखा होती है वो ऊंचे पर्वतों में वह रेखा होती है जिसके ऊपर अमूमन पूरे वर्ष बर्फ ठहरी हुई होती है, और यह एक पट रेखा होती है और ऊंचे पर्वतों में साफ दिखाई देती है। क्वेश्चन नंबर 14, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? गोडविन ऑस्टिन K2। गोडविन ऑस्टिन K2 विश्व की दूसरी सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई है वो 8611 मीटर है, और यह कश्मीर के काराकोरम पर्वतमाला में स्थित होने के कारण K2 के नाम से जाना जाता है। इसके K2 का नाम 1852 ईस्वी में TG मोंटगोमरी ने द्वारा दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 15, काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या था? कृष्णा गिरी। काराकोरम और पीर पंजाल श्रेणी हिमालय श्रेणी के उत्तर पश्चिम तथा दक्षिण में स्थित। काराकोरम श्रेणी का एक बड़ा हिस्सा भारत और पाकिस्तान के मध्य विभाजित है, और काराकोरम की लंबाई लगभग 500 किलोमीटर है। क्वेश्चन नंबर 16, हिमालय श्रेणी में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर है दून। निम्न हिमालय और शिवालिक के बीच स्थित लंबत घाटी को दून कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है मर्ग या केदार या चारागाह। ऐसे मैदानों को कहते हैं जिसमें वृक्षों की बजाय घास व अन्य छोटे पौधे ही उग रहे हो। इसमें अक्सर मवेशी चराए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? तो इसका सही आंसर है बुग्याल या प्यार। बुग्याल शब्द का अर्थ है पहाड़ों की ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान। भूगोल के शब्दों में इन्हें सवाना भी कहा जाता है, और जहाँ चारों ओर सिर्फ घास से भरे मैदान दिखाई देते हैं, इन्हें देखकर यह भास होता है कि मानो जैसे किसी ने इन पहाड़ों पर घास के गद्दे बिछा दिए हों। क्वेश्चन नंबर 19, सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो इसका आंसर है कुमाऊ हिमालय। हिमालय पर्वत श्रृंखला के चार क्षितिज, नेपाल हिमालय, कश्मीर हिमालय, असम हिमालय तथा पश्चिम में कुमाऊ हिमालय विभाजनों में से एक है। सतलुज नदी से काली नदी के बीच फैली लगभग 320 किलोमीटर लंबी हिमालय श्रृंखला को ही कुमाऊ हिमालय कहा जाता है। उत्तराखंड तथा हिमाचल प्रदेश में स्थित इस पर्वत श्रृंखला के पूर्व में नेपाल तथा पश्चिम में कश्मीर हिमालय स्थित है। क्वेश्चन नंबर 20, काली एवं तिस्ता नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो इसका आंसर नेपाल हिमालय। हिमालय पर्वत श्रृंखला के चार क्षितिज विभाजनों में से एक है, और काली नदी से तिस्ता नदी के बीच फैली लगभग 800 किलोमीटर लंबी हिमालय श्रृंखला को ही नेपाल हिमालय कहा जाता है। नेपाल, तिब्बत तथा सिक्किम में स्थित इस पर्वत श्रृंखला के पूर्व में असम हिमालय तथा पश्चिमी कुमाऊ हिमालय स्थित है। नेपाल हिमालय चारों विभाजनों में से सबसे बड़ा है। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन पसंद आए होंगे, समझ में आए होंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है, समझ में आई है, तो वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और कमेंट करके बताइए आपको वीडियो कैसी लगी, और अपने दोस्तों के पास शेयर करना ना भूलिए, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले। और जो इसका माउंटेन्स ऑफ इंडिया का पार्ट नंबर 1 है, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, और पूरी प्लेलिस्ट है जो माउंटेन्स ऑफ इंडिया की, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।